आज मैं आपको बिगम का एक ऐसा यूज सिखाऊंगा जो कहीं ना कहीं आप कभी नहीं सुना होगा, आपने सुना होगा लेकिन इतना यूज नहीं जानते होंगे। तो हम यूज सीखते हैं बिकम का, बिकम ऑफ। जैसे हम सेंटेंस ये बोलते हैं कि आपके बाद में आपके परिवार का क्या होगा। अरे मैंने तुझे पैसे दिए थे, उस पैसे का क्या हुआ? मेरे पैसों का क्या हुआ भाई जो मैं दिए थे, भूल गया? याद है? सोचो तुम्हारे बाद तुम्हारे परिवार का क्या होगा। तो इस तरह सेंटेंस बनाते, तुम यहां यूज करते बिकम, बिकम ऑफ। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आएगा आपको। आपके बाद आपके परिवार का क्या होगा? व्हाट विल बिकम ऑफ योर फैमिली आफ्टर यू? जो मैंने पैसे दिए थे उधार आपको, वो उस पैसे क्या रहा? व्हाट पास्ट में बिकम का बिकेम हो जाएगा, व्हाट बिकेम ऑफ माय मनी व्हिच आई गेव यू? उसका क्या होगा यार? व्हाट विल बिकम ऑफ हिम? अगर लड़की है तो व्हाट विल बिकम ऑफ हर? वही आपके जॉब छोड़ने के बाद में इस कंपनी का क्या होगा? व्हाट विल बिकम ऑफ दिस कंपनी व्हेन यू लीव द जॉब? राइट? ऐसे ही सोचो, अगर आप 7 दिन के लिए बाहर जाओगे तो आपके घर का क्या होगा? व्हाट विल बिकम ऑफ योर होम, या व्हाट विल बिकम ऑफ योर फैमिली व्हेन यू गो आउट ऑफ टाउन फॉर 7 डेज? मेरा क्या होगा यार अगर आप नहीं आओगे तो? व्हाट विल बिकम ऑफ मी इफ यू डोंट कम? इंग्लिश सीखने को विश, ज्वाइन विद इंग्लिश। कमेंट करिए, सेंटेंस सोचिए, बनाइए, तब प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से बोल भी पाएंगे। बिकम ऑफ, मेरा क्या होगा अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो? यार व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हाट विल बिकम ऑफ मी इफ यू डोंट सब्सक्राइब? इंग्लिश सीखने को विश, ज्वाइन विद इंग्लिश। थैंक यू।